लैंप्स एंड लाइट्स, एक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और करते ही जीवन में खुशियां आ जाएंगी। लैंप्स और लाइट्स, इससे हम एसोसिएट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को, दीपावली हो या गुरुपर्व हो या क्रिसमस हो, हम इसमें लाइट्स जला करके सेलिब्रेशन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके मेन डोर से। टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर दो तीन पॉइंट भी मैं कवर कर लूंगा तो आप काफी बेनिफिटेड रहेंगे। मेन डोर के बाहर मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी जगह पर गया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस ऑफ लाइफ में गया हूँ, तो लाइट्स जो होती हैं अबैंडेंड होती हैं। सीलिंग के ऊपर लाइट लगी हुई है और कहीं पे लाइट टेढ़ी है, कहीं पे लाइट फ्यूज है, कहीं पे लाइट का कवर फूटा हुआ है, कहीं पे लाइट पे जाले लगे हुए हैं, कहीं पे लाइट डिफोकस्ड है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मेन डोर के बाहर आप एक फोकस लाइट जरूर लगाएं। फोकस लाइट बड़े काम की है, आपकी लाइफ में एनर्जी आ जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, अगर आप इस छोटे से पॉइंट को कर लेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, स्टेज के ऊपर एक परफॉर्मर आता है और उस परफॉर्मर के ऊपर एक फोकस लाइट आती है, चारों तरफ थोड़ा सा अंधेरा होता है तो कितना अच्छा लगता है आपको उसकी परफॉर्मेंस देख करके। तो आप भी ऐसी भीड़ में खो जाएंगे अगर आपके मेन डोर के बाहर फोकस लाइट नहीं होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके मेन डोर के थ्रू ही आती है। जिसका मेन डोर बहुत अच्छा और लाइटेड होता है, सुंदर होता है, उसके मेन डोर से माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। हम बात करते हैं कैसी लाइट होनी चाहिए, फोकस लैंप्स। एक नॉर्मल लाइट चारों तरफ इल्यूमिनेट करती है, वो भी अच्छा है, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए, थोड़ा सा सेल्फिश होने के लिए एक फोकस लाइट अपने डोर के ऊपर लगाएं। इमेजिन करें कि ये आपका मेन डोर है और सामने से लाइट आ रही है, तो जितना हिस्सा आपके मेन डोर का है उसके ऊपर लाइट पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। करिए, कलर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वार्म व्हाइट कलर यूज करेंगे तो सभी दिशाओं के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शंस, इट विल हेल्प यू। अब हम बात करते हैं डोर से अंदर आते ही आपकी जो गैलरी है और आपका जो ड्राइंग एरिया है उसमें लाइट कैसी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा उन लोगों को जो बिजली बहुत ज्यादा सेव करते हैं, हद से ज्यादा सेव करते हैं। 4 BHK हाउस, 5 BHK हाउस, बट एक ही रूम में लाइट जल रही होती है, डोर खोलते ही आपको चारों तरफ लाइट्स जलानी पड़ती हैं रास्ता ढूंढने के लिए। ऐसी ऐसी नौबत कई कई जगह मैंने देखी है, क्योंकि 3-sided घर क्लोज्ड होते हैं, उसमें घर के अंदर इतनी रोशनी ऑटोमेटिकली नहीं होती है। आपको एक गाइडेड लाइट लगानी है कि जैसे जैसे रास्ता चल रहा है वैसे वैसे लाइट जरूर वहां पे होनी चाहिए। आप अपना जितनी भी एरियाज हैं सबको थोड़ा थोड़ा लाइटेड जरूर रखें, क्योंकि शाम के टाइम पे हर कोने पे, हर जगह पे लाइट होना जरूरी है। घर के अंदर 5-6 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, तो क्या किसी को आप ज्यादा खाना और क्या किसी को कम खाना दोगे? वास्तु में तो हर एक कोना, हर एक दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको बराबर लाइट आपने देनी है। करके देखिए, इससे भी फायदा होगा आपको। अब हम बात करते हैं आपके सर्टिफिकेट्स दीवार पे लगे हुए हैं, आपके पोस्टर्स यानी कि जो फैमिली पिक्चर्स हैं वो दीवार पे लगे हुए हैं, तो क्या उसके ऊपर आपने फोकस लाइट लगाई? बिल्कुल लगानी है यहाँ पे फोकस लाइट। फोकस लाइट लगाते ही आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ग्लो करने लगेंगी। छुपा के थोड़ी रखनी होती है अचीवमेंट्स, दिखानी होती है, अपने आप में उसको एनलाइटेड करना होता है। कोई भी चीज जो छुपा के रखते हैं वो ज्यादा हमें बढ़ोतरी नहीं देती है। तो आप अपने पिक्चर्स, अपने अचीवमेंट्स और अपनी अच्छी जगह, जो आपके शो पीसेस होते हैं, जो आपके एक बहुत अच्छे अच्छे हाई क्लास शो पीसेस हैं, उनको भी लाइटेड करके रखें, सो दैट आपकी जो अचीवमेंट्स है ग्लो करें। ज्वेलरी की दुकान से एग्जाम्पल ले लीजिए, कपड़ों के शोरूम से एग्जाम्पल ले लीजिए, कि शोरूम में आपका कुछ देख के आते हैं तो वो कितना सुंदर लग रहा होता है,
घर आते ही आपको लगता है थोड़ा सा फीका है, कलर मेरे पे सूट करेगा या नहीं करेगा, शेड में डिफरेंस आ गया, ज्वेलरी में भी ऐसे ही होता है। तो आपने अपने घर को इस प्रकार क्रिएट करना है कि जहां पर भी आपकी अच्छी चीजें पड़ी हैं उसको हाईलाइट जरूर करना है। हम लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आपके बेडरूम में लाइट कैसी होनी चाहिए। बेडरूम में लोग ब्लू कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट, पिंक कलर की लाइट लगा लेते हैं, कोब लाइटिंग्स लगा लेते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि डिफरेंट कलर लाइट से क्रिएट करना अच्छा नहीं है। व्हाइट कलर, वार्म व्हाइट कलर या थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर होना चाहिए आपके बेडरूम में। वार्म व्हाइट कलर सबसे अच्छा होना चाहिए। ज्यादा आपके बेड के ऊपर फोकस लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक रेस्टफुल एरिया के ऊपर आप बहुत ज्यादा लाइट डालते हैं तब आपकी नींद वो सुचारू रूप से नहीं आती है, डिस्टरबेंस आ जाती है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लाइट दीजिए, डिफ्यूजेस दीजिए। बेडरूम में शार्प लाइट्स लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। लाइव वास्तु बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताती है। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.